नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के एक इंटरेस्टिंग पजल क्वेश्चन के बारे में, जैसा कि ऐसा क्या है जो साल में एक बार, महीने में दो बार, हफ्ते में चार बार और दिन में छः बार आता है। अगर नॉर्मली हम देखें तो इस तरह का क्वेश्चन हमें अजीब या गलती लगता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जो साल में एक बार आए और दिन में छः बार। तो इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक और आंसर बताऊंगा। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा हमारा एफ, जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या लेंगे, जो हमसे पूछा गया है उसकी छोटी इकाई। जैसे हमें साल में एक बार पूछा है तो साल की छोटी इकाई होती है महीने, और महीना पूछा है तो उसकी छोटी इकाई हो जाएगी हमारा हफ्ता, और हफ्ते का पूछा है तो उसमें हो जाएगा हमारा दिन, और दिन में पूछा है तो उसमें हो जाएगा हमारे घंटे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साल में एक बार, तो आपको पता होगा कि एक साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश में हम इनको लिख लेंगे। तो हम देखेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक एफ वन टाइम ही आ रहा है, वो भी फरवरी में। तो साल में हमारा एफ हो गया एक बार। अब दूसरा है मंथ में दो बार। तो आपको पता होगा महीने में हफ्ता होते हैं चार, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वीक में आ जाएगा एक एफ तो, और दूसरा आ जाएगा फोर्थ वीक में। टोटल हमारा मंथ में दो टाइम हो गया एफ। अब तीसरा है हमारा वीक। तो वीक में हम क्या मानेंगे, डे को। तो एक वीक में सेवन डे होते हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे और सेवन्थ डे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा एफ है वो आएगा फर्स्ट में, दूसरा एफ है वो आएगा हमारा फोर्थ डे में, और तीसरा और चौथा एफ आ जाएगा हमारा फिफ्थ डे में। फिफ्थ डे में दो एफ दिए हुए हैं, तो ये हो गया टोटल हमारा चार बार हफ्ते में। अब बारी आती है दिन में छः बार की। तो आपको पता होगा दिन में एक से लेकर 24 घंटे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे टोटल एफ कितने टाइम आया है, 15 में दो टाइम आ गया और 24 में एक टाइम आ गया। तो कुल मिलाकर ये कितने टाइम आ गया, 6 टाइम आ गया। तो ये पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था, एफ के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।